हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। गुड इवनिंग। छोटों को चालू सेंस पर, छोटों को प्यार। और मेरा हाथ नॉनवेज में है तो मैं ऐसे नहीं कर सकती, ऐसे नहीं कर सकती। ये पकौड़े बना रही हूँ आज क्योंकि वो बहुत भूख लगी है, तो मेरे को खाना ही नहीं बना सभी से चार को। ब्रेकफास्ट पे ही ये लोग हैं, तो फिर की बोली मम्मी नॉनवेज है तो मुझे पकौड़े खाने हैं। इसके चिकन के किचन के वही बना रही हूँ, जिसके बनियान बनती है। मेरा दिमाग खराब कर दिए। दिमाग वाला नहीं खराब करती हूँ, क्या करती है, दिमाग खा जाती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है ये। क्या बोली थी तुम्हें बनाने के लिए? वो केएफसी चिकन। हाँ, केएफसी चिकन बोली मम्मी बनाओ, तो उसके लिए ना लेग पीस, लेग पीस रहे तो अच्छा रहता है ना। अब लेग पीस के लिए अलग से लेना पड़ता है। हमने खाने के साथ भी इनका नॉनवेज खाने की इच्छा थी, मेरी मटन खाने की इच्छा थी। मैं मतलब चिकन खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं जीता मटन, लेकिन मेरे ट्रेन कर के चक्कर में अरे यार, और एक बार थोड़ी 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 ये मुझे साफ करने हरदम बोलती हूँ, सोचती हूँ और जिनके वो नमकदार खाना हो कौन सा है, चाट नमक नहीं ऐसी मुझे पता नहीं आता हूँ। बाहर भी चाट मसाला, बाहर भी चाट मसाला लोगों को अच्छा लगता है। अगली बार ही दीदी का हम खा लेंगे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, अगली बार से दीदी का हम खा लेंगे। इसके खाना मटन नहीं आता गाइस, मेरे मटन छीन के रखी इसने। मटन नहीं बची, खाना चाहिए ना। देखो गाइस पकौड़े आप भी आते खाने, क्रिस्पी क्रिस्पी। सब लोग लाइन से लगे खाने को, सब लोग लाइन से लगे। सही बात। अरे कुछ भी नहीं बोले तुम लोगों ने, बोलो बोलो। मैं तो नहीं बोल रही हूं। क्या दीदी ने क्या से मौन व्रत रखी है? जोर से बोलो। दीदी दीदी ने मौन व्रत रखी है। मौन दीदी कम बोलती है। गुड इवनिंग बोलो। गुड इवनिंग। नहीं दीदी बहुत बोलती, बहुत बोलती। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोग कैसे हो? ठीक हो? हां ठीक है। ठीक नहीं भी होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और ठीक होंगे भी तो कमेंट बॉक्स में लिखना। और आप भी अपने बच्चों को ऐसे चिकन की पकौड़े बना के खिलाना जो नॉन वेजिटेरियन, जो हाँ नॉन वेजिटेरियन, वो बाकी बेसन के पकौड़े बना के खा सकते हैं। आजकल ना वेज नॉन वेज की जैसे वो आ रहा है क्या, वीगन, वीगन करके प्लांट से है ना, प्लांट से आता है वो, बिल्कुल ऐसा लगता है नॉन वेज जैसा है देखने में, लेकिन खाते हैं तो वो वेज है और बहुत हेल्दी, लेकिन बहुत महंगा है। अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो अफोर्ड कर सकते प्लीज अपने बच्चे को बना के खिलाइए। तो गाइस ये देखो खांसी कर रहा है, सॉरी। ये अरे रेम्बो लेग पीस चोर है, सबके मुंह में पानी आ गया, सबके मुंह में पानी आ गया। भाई इसके मुंह में पहले पानी आया है। हां हां बोलती मैं चिकन नहीं खाती, चिकन छोड़ दी बोल रही थी। क्यों नहीं नहीं खाई वो? नहीं कुछ अलग से है, एक थर्सडे बर्थडे है क्या? नहीं उसने बोली कि मेरे को चिकन पसंद नहीं आता, मैं नहीं खाऊंगी, तो मेरा बदलेगा तुम लोग खा लो। मैंने ऐसे कुछ वर्ड बोला नहीं, मैं अपने शब्द मेरे मुंह में मत डाल। नहीं ये बोलती है, लेकिन दो मिनट बाद हर चीज भूल जाती है तो बोलती है। नहीं ट्विंकल अपनी तारीफ कर रही दीदी। पकौड़े बनाया है बच्चों के लिए, हम लोग के लिए थोड़ा बहुत खाएंगे क्योंकि हमको खाना भी खाना है, और इन लोगों की डिमांड पे है, स्वीटी की डिमांड पे, तो इसको भी गैस को कर रही हूँ। पहले हम खाएंगे फिर और कुछ बनाएंगे, उसमें आप गिरना और इनको दिखाएंगे, देखेंगे आप तो देखिएगा जरूर। इसको पहले हम खा लेते थोड़ा गैस, दोपहर में खाना नहीं खाया था, आज हमने पेट खाली रखा, ये समझ लो। रेनबो भी आ रहा है। ये तो खाया है, ये पेडिग्री खाया, चावल खाया, सब खाए, हम ही लोग नहीं खाए, भी खाया, हाँ सब खाया, पेटू बंद है। और ये हमारी स्वीटी पता है गाय भैंस आती तो पति दौड़ना नीचे रुकना चाहिए, सींग से किंग मार के गिराएगी इसको। देखो ट्विंकल के पीछे गाय भागी भागी क्यों? एक बार पता है स्कूल सब लोग आ रहे थे, तो हमारे स्कूल के लोग सेंटर से सब जा रहे थे हाईवे में, और गाय की पूरी ग्रुप टीम हम पूरे स्कूल वालों के लिए पूरा ग्रास कर देंगे, बचेगा नहीं कुछ। एक बार में चार उठाएंगे लोग। मेथी डाल रही हूँ और पकौड़े जो थे हमने खा लिए, हजम कर लिए। चार चार ही इससे ज्यादा नहीं थे, ज्यादा नहीं बनाया था। अब ये मेथी हो जाएगी, मेथी का छौंक लगाती हूँ। आप लोग कैसे लगाते हैं गाइस जरूर कमेंट में करके बताना, और इस छौंक के बाद एक बात बोलना चाहती हूँ, इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा और बहुत अच्छी चीज है।
मैं नहीं बोलती, मैं बोल के बताती हूँ, एक सेकंड वो थोड़ा मसाला जल जाएगा, थोड़ा प्लीज वेट करिए ना, इसमें छौंक की आवाज आ जाएगी ना, इसलिए। गाइस मेरे यहाँ पहले बात लाइट चली गई है, तो मैं कैसी भी दिख रही थी एक्सेप्ट करना, वो सिर्फ स्वीटी बोल के आप गोरे गोरे दिख रहे हो। तो गाइस मेरा मसाला हो गया, मैंने उसको अच्छे से भून भी दिया है, और मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, आप टमाटर डालना चाहो तो डालो, नहीं तो इग्नोर कर दो। अरे आप कुछ बताने वाले थे, भूल गए क्या? हाँ, बताती वो छो 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 करता है ना, अभी देखो ये सब तो भूजना है, तो पहले इनको करूंगी फिर क्या उसको बताऊंगी, तो उसके लिए वेट तो करना पड़ेगा था, आपको सुनने के लिए ना इंतजार करना पड़ता है। सफर का फल मीठा होता है, टेस्टी चटपटा भी होता है, जिसमें और मसाले डाल दूँ, बेसिक मसाले ठीक, और इंतजार के लिए ज्यादा नहीं, दो सेकंड, एक दो खत्म, चल दो सेकंड में ना, दो मिनट होता है ना, मैं नमक डाल रही हूँ टेस्ट अकॉर्डिंग, अरे डाल ही नहीं हूँ, गला साफ कर रही हूँ अभी पहले नहीं, बेसिक मसाले डाल लिया मेरे इसमें, अब वो सारे शायद इसमें शेयर नहीं हो पाए, ये मेरी नेंजी है ना, कैमरा बंद कर दी थी, झगड़ा कर रही थी स्वीटी से, क्या बात है, वो कोई रील उल के ऊपर बात कर रही, बहस कर रही थी स्वाद अनुसार नमक के ऊपर, किसी बंदे ने बोला कि स्वाद अनुसार तो बोलते हैं कि स्वाद अनुसार के हिसाब से डालो, लेकिन जो खाना ही कभी नहीं बना उसको क्या स्वाद अनुसार पता चलेगा, तो इसी बात पे अब बोलती हूँ, सुनिए मेरा एक ब्लॉग गया था उस पर एक दीदी ने, उनका नाम भी ले लेती हूँ, बहुत अच्छा लगा, कमेंट तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन इनका कमेंट इतना अच्छा है, ऐसा लगा था कि कोई पड़ोस पड़ोस की है, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ऐसा लगा कि बस क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपनापन सा फीलिंग आया, दिल भरा। जिन्होंने जो दीदी ने कमेंट दिया है, उनका नाम सुनीता जी है, और उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ के पूरा अच्छे से बता रही हूँ, सुनिए आप, उन्होंने लिखा है, आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगा और आपका रेनबो तो ओ माय गॉड कितना क्यूट है, मेरे ब्रदर के पास डॉग है और वो आराम से रह लेता है, आपने जो सब्जी बनाई वैसी हमने कभी नहीं बनाई, कढ़ी बनाते हैं, और हाँ बर्तन धोना नहीं पसंद तो या तो डिशवॉशर ले लो या मैं ढक लो, कितना अच्छा से मतलब उन्होंने गाइड किया ना, जो बहुत अच्छा लगा, ऐसे गाइड करना चाहिए, फिर क्या हुआ, लाइट आ गई, हाँ फिर उन्होंने लिखा कि मैड ले लो, मैड रख लो सॉरी, हाँ नहीं तो रबर चश्मा लगा लो ना मम्मी नहीं देखो फिर लाइट चली गई, नहीं तो रबर के जो ग्लव्स आते हैं ना वो पहनकर वॉश कर लिया करो, और हाथ गंदे ना हो बर्तन सोख करके सिंक में रख दो और जल्दी वॉश हो जाते हैं, दो सिंक हो तो और अच्छा है, मतलब उन्होंने हमारे ब्लॉग में देखा है कि दो है, लेकिन वो सब्जी वेजिटेबल के लिए है, तो दो सिंक हो तो बहुत अच्छा है, बर्तन धोने के लिए एक में सॉप डालकर बर्तन सोख करके रख ले और दूसरे में उसको अच्छे से साफ करके रहने दे, तो इस तरह से उन्होंने लिखा है, इतना अच्छा लगा, तो अच्छा लगा, थैंक यू सो मच दी, और सभी की कमेंट बहुत अच्छे लगे कि बहुत बिग और बहुत बड़ा और बहुत ऐसा था ना, है ना, लगा ना दिल से, हम साइड में लगा देंगे, पड़ोसी और घर के ऐसे लोग जैसे बताते हैं कि देखो बहन ऐसे नहीं है, ऐसे आपको ये प्रॉब्लम होती थी, आप ये रहो, मतलब बड़ा कैसे कोई समझाता उस टाइप से, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बहुत अच्छा लगा, चलिए और हाँ हमारे मसाले भी रेडी हो गए हैं, तो हम इसमें डाल देते हैं, और ट्विंकल को जल्द स्वीटी प्लीज मत करना, डिस्टर्ब करती है लड़की, सही बहुत मेरे ये मुर्गी की टॉप्स ये लेग पीस के लिए ना बोल रही, मेरे को नहीं देते हो, तो ऐसा है कि कभी एक किलो आता है तो एक ही मुर्गी टांग आती है, उसमें ट्विंकल मांगती तो ट्विंकल को दे देती हूँ, कभी एक नैन्सी को, एक स्वीटी नहीं ट्विंकल को, फिर होगा तो फिर स्वीटी, ट्विंकल वैसे भी खाती नहीं है खाना, मेरे बहुत बेकार हो चुकी है, स्वीटी का भी खुराक कम है, हाँ वो जो कमेंट पड़ी थी ना सुनीता जी का, उसको यहाँ लगा दूंगी, देख लेना ठीक है, क्या हो रहा है, तो गाइस मेरी सब्जी रेडी हो रही है, राइस मेरा रेडी हो रखा ऑलरेडी, अब मैं बनाती हूँ चपाती, और इस सब होने के बाद आराम से आपके सामने दिवाला लूंगी, तो जरूर आपके सामने आऊंगी, तो वेट करो गाइस ठीक है, कर लेती कंप्लीट, वेट करना, जाने का नहीं, जाने का
कुछ भी काम नहीं कंप्लीट कर भी करके हो गाइस, दीदी बेवकूफ है। आलसी कहां से बोल रही है, आलसी 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 लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। शट अप, अच्छे से कोई नहीं करता आलसी, कुछ भी बोलती है। पूरा दिन चला जाता है काम नहीं कर पाती हूं। हां पूरा दिन, कौन सा दिन क्या आज का टाइम पता, 2:30 बजे तक झाड़ू मार के क्या। देख गाइस 2:30 बजे, 2:30 बजे तक चला। गाइस फंस गया चोर। सवा तीन तीन बज रहा था जब मोपिंग लेने आई थी गाइस, मोपिंग के लिए ऊपर का काम इसको दी थी मैंने। आज कॉलेज नहीं गई थी इसलिए मेरी आदत है कॉलेज नहीं गई तो काम करो, वो भी हमेशा नहीं देती, पूछ लो उसको एक आध बार देती हूँ। तो यहाँ पे क्या निकालती, चावल चावल हमारी रोटी बन गई, मोटी मोटी रोटी बन गई, बड़ी बड़ी रोटी बन गई। रेम्बो को खाना दिया जा रहा है और वो सीटी ठोक ठोक कर रही है। अब हम खाना खाएंगे, हमारी रोटी हो गई है तो अभी खाने के टेबल पे वहाँ बैठते हैं, वहाँ मिलते हैं आपको, ठीक है। हमारा खाना रेडी हो गया, हमारा खाना वहाँ रेडी हो गया है। आई एक मुर्गी का टंगवा भी रेडी हो गया, देखो पहले लटक रहे टूट के मुँह में आने के लिए, तो सोचो कितना सॉफ्ट बना होगा ना। देखो नैन्सी रेम्बो गैस खा लो क्या, और ट्रिंक आज अकेले छोड़ देंगे हम कमरे में, ठीक है नैन्सी। हाँ, छोड़ दे रही है वैसे, छोड़ ही दो एक बार। बहुत सॉफ्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस सुसु नहीं होगा। बाथरूम नहीं जाती वो डर के मारे। सारी खुशबू और सॉरी यहीं से दे सकती है आपको ये निवाला, तो हम खा लेते हैं और बताते हैं आपको। खा खा बेटा खा, मैं भी खा रही हूँ। अच्छा बना, बहुत टेस्टी। सोच रही हूँ नैन्सी को नहीं दूँ, नैन्सी का बहुत मन है लेकिन ले लूंगी मैं खुद, मैं देना आज दिया भगवान ने। नैन्सी में इतना एक दिन क्या हुआ, हवा से ना दरवाजे ठक ठक खोल रहे थे, नैन्सी मेरे को फोन लगाई, मम्मी कोई ना दरवाजे बहुत जोर जोर से ठोक रहा है, कोई तो ऐसे में दरवाजा खोल के, अभी दो चार दिन पड़ी रहे थे ना लेना। मैंने कहा फोन लगाई, फोन लगाया था, ट्विंकल थी, ट्विंकल पूरी थी, ट्विंकल है, मैं नहीं हुई थी डर। मैं गई वहाँ पे खड़े थे, थोड़ी देर बाद मैं खड़े तो भाषण दे रही थी, समझे सीटी ने पीछे से आई, मैं खूब जोर से डर गई, सीटी ने मुझे डरा दिया। और डरे मैं आके डरा दी। तो हाँ फिर क्या हुआ कि ना अगर ट्विंकल को अकेले छोड़ दिए ना तो बाथरूम नहीं जा सकती, तो बाथरूम अभी हो गया। बहुत कहानी, हम मिलते हैं बाद में, स्वाद ले लेते हैं, थोड़ी हड्डी वड्डी चबा लेते हैं। और नैना बाद लेग पीस नहीं दूंगी, आज का डिमांड था लेकिन नहीं दूंगी ना नैन्सी। मत दो फिर बाद में बताती हूँ ना आपको, चुड़ैल बनकर आपको मंडराएंगे मेरे ऊपर, बताती हूँ मैं। खा रहे थे, मैं को दूंगी ऐसा नहीं है, माँ हूँ वो तो ऐसे बेवकूफ बनाना पड़ता बच्चों को, हमको अच्छे अच्छे लोग बेवकूफ बनाते हैं पता है हमको। चलो गाइस लव यू, टेक केयर।